देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। पीलीभीत के ग्रामीण अपने फसलों को लेकर वंचित है, क्योंकि जब ग्रामीण अपने ही खेत में खेती करने के लिए जाते हैं तो वहां के डीएम एसडीएम के द्वारा कानूनी कार्यवाही में फंसाने की धमकियां मिलती है, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद डीएम एसडीएम देते हैं और कहते हैं कि इस जमीन पर आप साठा धान की खेती नहीं कर सकते। वहीं उपस्थित ग्राम प्रधान पुनीत अरोड़ा जी ने बताया है कि हम यहां काफी लंबे समय से रह रहे हैं, हम यहां के विधायक सांसद महोदय और वरुण गांधी जी से भी जाकर मिले, उच्च अधिकारियों से भी जाकर के हमने इस बारे में वार्ता की, फिर भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। जबकि एसडीएम महोदय का कहना है कि यहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप यहां पर धान की खेती नहीं कर सकते हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश है तो यह तो सभी जगह होने चाहिए, जबकि रामपुर, लखीमपुर, टिहरी, उत्तराखंड सभी जगह धान और अन्य खेती करने की अनुमति है, लेकिन यहाँ नहीं। हालांकि यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि कृषि से संबंधित किसी भी अधिकारी को यहाँ बुलाकर यहाँ जमीन की जांच कराई जाए और ये पता किया जाए कि ये मिट्टी दलदली मिट्टी है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें और किस चीज की खेती कर सकते हैं, लेकिन हमें यह बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ का प्रशासन खेती करने से सभी ग्रामवासियों को रोकता है, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ साठा धान की खेती होती है, इसके अलावा और कोई भी खेती इधर नहीं पाई जाती है। प्रशासन के द्वारा साठा धान लगाने के लिए भी मना करते हैं। इस समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामवासी, तो वहीं कई ग्रामवासियों का कहना है कि हम लोगों के पास रजिस्ट्री और भूमि धरी की जमीन है, इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा हम लोगों को खेती करने से रोका जा रहा है। ये हमारे पास जो खेती है, हमारे ये जो डीएम मतलब हमारे पटवारी लेखपाल आके कह रहे हैं यहाँ साठा धान नहीं होगा, और हमारे यहाँ साठा धान नहीं होगा तो हमारे यहाँ केवल एक ही धान, ये साठा धान ही होते हैं। बरसात में पानी डूब जाते हैं, गेहूँ इसमें होता नहीं, हम लोग केवल ही साठे धान करते, तो इसकी अगर पाबंदी हो जाए तो हम लोग क्या कैसे गुजारा करेंगे, कैसे बच्चे पालेंगे। बस वैसे हम लोग गए डीएम के पास, गए तहसीलदार के पास गए हैं और हमारे विधायक के पास गए हैं, वो हमें यही आश्वासन दिया कि हाँ होंगे, और कल हमारे यहाँ एसडीएम आके कहा कि इसकी अगर तुम धान लगाया जाए तो इसकी कानूनी कार्रवाई होगा। कुछ नहीं, जैसे अगर लगाया जाए तो अगर हम ज़बरदस्ती धान लगाए तो यहाँ कानूनी कार्रवाई होगा, यही कहा कि हमारे लिए जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी हो सकता है। हाँ, यहाँ ऐसे है कि कुछ ऐसे भूमिधारी पट्टे भी है, कुछ खतरा खतौनी है और किसी के पास वैसे ही मतलब है नहीं, वैसे इतनी ज़मीन को हम बैठे हैं, किसी के पास 50 डिसीमिल, किसी के पास 70 डिसीमिल, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन, जैसे एक दो के पास 2 एकड़ ज़मीन होगा और ऐसे 50-60 डिसीमिल करके सबके पास ज़मीन है, और इसमें हम साठा धान करके ही जीते हैं और इसकी भी पाबंदी लगाया गया, कोई धान नहीं होते। अगर हमारे खेत देखिए यहाँ कितनी दलदल है और पानी बहता हुआ है, इसमें देखिए पूरा दलदली दल। साठा धान के ऊपर प्रतिबंध जो सरकार ने लगाया, हमारे डीएम साहब से कई हमने लेटर लिखे हैं, नहीं मान रहे कि साठा धान नहीं लगाओगे। हमारे यहाँ पूरा दलदली क्षेत्र है, जितने भी किसान हैं पूरी जगह जो हमारी है 12 महीने पानी भरा रहता है, डैम है 22 किलोमीटर लंबा डैम है, पूरा सीपेज डैम का लगातार जारी रहता है उसका, और उसमें धान के अलावा कोई फसल होगी नहीं, और साठा धान की फसल के ऊपर रोक लगा दी है। अभी लखीमपुर कल हम देख रहे थे, अखबार में आया लखीमपुर के डीएम साहब ने परमिशन दे दी है, रामपुर में मंत्री जी हैं बलदेव सिंह ओलख, उनका भी एक बयान आया है अखबार में आया है, वहाँ के डीएम साहब ने परमिशन दे दी है, मगर पीलीभीत के लोग परेशान हैं, पीलीभीत कोई परमिशन नहीं मिल पा रही है, और हमारी पूरी दलदली भूमि है यहाँ पर, और यहाँ कुछ धान के अलावा कोई फसल ही नहीं होती। हमने अभी एसडीएम साहब को भी कहा था कि आप कृषि अधिकारी को बुलाओ, वो हमें एक सलाह दें, इसकी मिट्टी की जांच करें, 12 महीने पानी जो भरा रहता है इसमें क्या हो सकता है, हमको सुझाव दें, हम वही लगाएंगे। तो नहीं, हम लोगों ने मिले हैं, डीएम साहब से भी मिले हैं, और हमने सांसद जी को, वरुण गांधी जी को भी लिखा है, और विधायक जी ने भी बात की है,
हर जगह हमारी बात हुई है, लेकिन यहाँ डीएम साहब का एक ही कहना है कि यहाँ नहीं हो पाएगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो पूरे भारत में एक होना चाहिए, और उत्तराखंड में भी लग रहा है, लखीमपुर खीरी में भी हो गया है, और इधर रामपुर में भी हो रहा है, बदायूं में भी ऑर्डर हुआ है लगाने का कि आप इस साल लगा सकते हो। नहीं, कोई परमिशन नहीं है। कल भी हमारे एसडीएम साहब ने मीटिंग ली थी हमारी, तो उन्होंने यही कहा कि आप नहीं लगा सकते। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।